देश ओलंपिक में साक्षी मलिक और पीवी सिंधु को मेडल मिलने का जश्न मना रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ओलंपिक से भारत के लिए बुरी खबर। जी हां, पहलवान नरसिंह यादव बिना खेले ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह यादव को प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल का दोषी पाते हुए 4 साल का बैन नरसिंह यादव पर लगाया है। ओलंपिक में भारत को लगा है बहुत बड़ा झटका। देश पहलवान नरसिंह यादव से मेडल की उम्मीद लगाए बैठा था। आज ही नरसिंह यादव का पहला मुकाबला था, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले आई खबर जिसने देश को सदमा दे दिया। नरसिंह यादव रियो ओलंपिक से बाहर हो गए क्योंकि वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने नरसिंह पर 4 साल का बैन लगा दिया है। नरसिंह पर बैन लगने का मतलब यह है कि 74 किलो में भारत की कोई चुनौती नहीं रह गई है। नरसिंह यादव बाहर मतलब भारत खेल ही नहीं पाएगा। रियो जाने से पहले नरसिंह पर प्रतिबंधित दवाएं लेने का आरोप लगाया था। बचाव में नरसिंह ने दलील दी थी कि सोनीपत में साई के ट्रेनिंग सेंटर में उनके खाने में मिलावट हुई थी। नाडा ने जांच की और नरसिंह को निर्दोष मानते हुए रियो ओलंपिक के लिए हरी झंडी दे दी थी। एक हफ्ते पहले नरसिंह कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में खेलने के लिए रियो भी पहुंच गए थे। आज उनका मुकाबला होना था। रियो में वाडा ने नरसिंह से खाने में हुई मिलावट के सबूत मांगे, लेकिन उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। नरसिंह अपने साथ हुई साजिश के सबूत पेश नहीं कर पाए, इसलिए वाडा ने उनकी अपील खारिज करते हुए 4 साल का बैन लगा दिया। यानी अगले ओलंपिक तक नरसिंह यादव किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे।